अस्सलाम वालेकुम। मेरे अल्लाह ने कहा है, मैं टूटे दिलों में बसता हूँ। मुमकिन है जो तुम मांग रहे हो उस आजमाइश के बाद वही तुम्हारा सिला हो। हवाएं मौसमों का रास्ता बदलती हैं और दुआएं मुसीबतों का। हर वक्त का सोचना भी इंसान को कभी खुश रहने नहीं देता। जिसने सुख में शुक्र अदा किया उसने दुख में अपने रब को बहुत करीब पाया। और तुम्हारी तकदीर इतनी दफ़ा बदलती है जितनी दफ़ा तुम अल्लाह के आगे हाथ फैलाते हो। खुशियों का पैगाम लाने वाला, इनामात तकसीम करने वाला, मगफरत के परवाने लुटाने वाला, रब की रहमतें बरसाने वाला रमज़ान करीब आ रहा है। इश्क हो या मोहब्बत, कदर ना करो खुदा छीन लेता है। पर रखो अल्लाह के फैसलों पर खुश रहो, तुम्हें बेहतर नहीं बेहतरीन मिलेगा। कामयाब लोग अपने बारे में लोगों की राय की परवाह नहीं करते। एक वक्त आता है जब इंसान को अपने मुखलिस होने पर भी पछतावा होना शुरू हो जाता है। ज़िंदगी में कुछ बदलने के लिए सबसे पहले खुद को बदलना पड़ता है। इतने एहसान है खुदा के हम पर, कभी पढ़कर सुर रहमान देखना। अपनी औकात देखकर नहीं रब की शान देखकर मांगी जाती है। मैं को मिटाकर मन नज़र आता है, मन को झुकाकर रब नज़र आता है। अल्लाह की मोहब्बत की इससे बढ़कर क्या दलील चाहिए। इतने गुनाहों के बाद भी वो हमें ढांप कर लोगों में इज्जत देता है। मुस्कुराते रहा करें क्योंकि मुस्कुराना बेनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर खुदा तुम्हें देने में देर कर रहा है तो समझ लो खुदा को तुम्हारा मांगना पसंद आ गया है। क़यामत से कम नहीं होता वो दिन जिस दिन माँ बाप में से कोई एक नहीं होता। अल्लाह पाक सबके सरों पर वालदैन का साया सलामत रखे, आमीन। इंसान चाहे कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, तौबा का दरवाज़ा उसके लिए हमेशा खुला है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा को नाराज़ करके लोगों को राज़ी ना करो, क्योंकि लोगों के बदले लोग मिल सकते हैं मगर खुदा के बदले दूसरा खुदा नहीं मिल सकता।